स्वागतम शुभ स्वागतम।
धरती गगन और चांद सितारे करते हैं सबको इशारे, आओ करें शुभ स्वागतम, आओ करें शुभ स्वागतम। धरती गगन और चांद सितारे करते हैं सबको इशारे, आओ करें शुभ स्वागतम, आओ करें शुभ स्वागतम, आओ करें शुभ स्वागतम, आओ करें शुभ स्वागतम। मौसम सुहाना बनाया अफसाना, गाते सभी ये बधाई का गाना, बनेंगे हम सबके सहारे, बनेंगे हम सबके सहारे, आओ करें शुभ स्वागतम, आओ करें शुभ स्वागतम, आओ करें शुभ स्वागतम, आओ करें शुभ स्वागतम। पूजन समारोह की विधि इस प्रकार होगी। सर्वप्रथम सिस्टर नेहा धर्म समाज के मुख्य बिंदुओं को दर्शाते हुए आज के दिन की विशेषता के बारे में प्रस्तावना प्रस्तुत करेंगी। पूजन विधि का जुलूस इस प्रकार होगा। सिस्टर विंसेंसिया असिस्टेंट सुपीरियर जनरल वर्ष की प्रज्वलित मोमबत्ती लिए रहेंगी। उनके साथ सिस्टर जेसिका जनरल बर्सर शताब्दी वर्ष का प्रतीक चिन्ह लिए आगे बढ़ेंगी। सिस्टर श्रुति वाराणसी प्रोविंस की मठाधिकारिणी पवित्र बाइबल लिए रहेंगी, जो कि हमारे जीवन का आधार है। सिस्टर ब्रिजिट धर्म समाज का कॉन्स्टिट्यूशन और हिस्ट्री ऑफ द कॉन्ग्रीगेशन लिए आगे बढ़ेंगी। सिस्टर निर्मला उन सभी देशों के झंडे लिए रहेंगी जहां पर प्रेरितों की रानी धर्म समाज की धर्म बहनें कार्यरत हैं। सिस्टर आयरिन ग्लोब लिए रहेंगी, जो कि धर्म समाज के विभिन्न कार्यों को समुचित रूप से दर्शाता है। सिस्टर रश्मि फादर बॉडविक की मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना का स्क्रॉल लिए रहेंगी। तत्पश्चात सभी पुरोहितगण वाराणसी धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष अति श्रद्धेय बिशप यूजिन जोसेफ और आज के मुख्य अनुष्ठाता आगरा महाधर्म प्रांत के महाधर्माध्यक्ष अति श्रद्धेय राफी मंजली वेदी की ओर अग्रसित होंगे। नृत्य करती हुई बालिकाएं जुलूस की अगुवाई करेंगी। प्रभु तेरी कृपा असीम है और तेरी शिक्षा हमें जीवन प्रदान करती है। प्रभु तेरे उपकारों के लिए हम क्या दे सकते हैं। हम तेरा नाम लेते हुए धन्यवाद के इस बलिदान में शामिल होने के लिए यहाँ उपस्थित हैं, क्योंकि तूने अब्राहम को दी गई प्रतिज्ञा को हमारे धर्म समाज में पूरा किया। मैं तुम्हारे वंशजों को
पृथ्वी की धूल की तरह असंख्य बना दूंगा, तुम्हें आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारा नाम इतना महान बनाऊंगा कि वह लोगों के लिए कल्याण का स्रोत बन जाएगा। आइए हम सब ईश्वर की महानता का बखान करें, जो प्रेम, विश्वास, दया और करुणा में पीढ़ियों से दृढ़ है। ऐसे ऐतिहासिक और गौरवमय अवसर पर 147 कम्युनिटीज के 944 प्रेरितों की रानी धर्म समाज की धर्म बहनों के हृदय से कृतज्ञतापूर्ण ध्वनि प्रस्फुटित हो रही है। 100 वर्षों के इस विशाल मील के पत्थर को पूर्ण कर प्रेरितों की रानी धर्म समाज की धर्म बहनों का जीवन आज आनंद और कृतज्ञ से पूर्ण है। बड़े ही आदर के साथ हम ईश्वर के उस महान चमत्कार का स्मरण करते हैं जो 1 जुलाई 1923 ईस्वी में वियना के महाधर्म प्रांत में कार्डिनल गुत्सा पिफिल द्वारा एक छोटे से बीज के रूप में प्रत्यारोपित किया गया था। आज यह एक विशाल और प्रबल वृक्ष अपनी शाखाएं भारत के 6 राज्यों और एशिया, यूरोप और अफ्रीका महाद्वीपों के 7 देशों में विस्तारित हो चुका है। ईश्वरतापूर्ण व्यक्तित्व, परहित के पुरोहित, वर्तमान युग के नबी, महान दूरदर्शी, विभिन्न क्षमताओं के धनी और प्रभु येसु की हृदय एवं पथ का अतुल्य प्रतिबद्धता और अदम्य साहस के साथ अनुकरण करने वाले हमारे पूजनीय संस्थापक श्रद्धेय फादर एंटोनियस मरिया बोडवी को हम शत शत नमन करते हैं। हम साहस और विश्वास से पूर्ण सह संस्थापक सदस्यों श्रद्धेय फादर पोल सोंटाग, कार्डिनल इनिट्सर और मदर जेवेरिया ब्लास को भी बड़े प्रेम से स्मरण करते हैं, जिनके अथक प्रयास, अडिग विश्वास तथा पूर्ण समर्पण के द्वारा प्रेरितों की रानी धर्म समाज अस्तित्व में आया। हम ईश्वर के प्रति कृतज्ञता की अनुभूति कर रहे हैं, जिन्होंने प्रेरितों की रानी धर्म समाज को 100 वर्षों के उतार चढ़ाव के बावजूद भी एक नई ऊंचाई प्रदान की। आज हम इस जगह से समारोह की भी स्मृतियों के साथ ही ना जाएं, बल्कि प्रेरितों की रानी धर्म समाज की धर्म बहनें अपने संस्थापक और अगुवाओं की समृद्ध विरासत को साथ ही साथ प्रभु येसु के प्रभावशाली एवं प्रासंगिक संदेश को फैलाने तथा कलीसिया के प्रेरित कार्यों के प्रति निष्ठावान बने रहने की एक नई प्रतिज्ञा के साथ यहाँ से विदा लें। इस शुभ दिन में पावन धन्यवादी युक्रिस्ती समारोह द्वारा हम सभी महामठाधिकारणियों, विशेष रूप से वर्तमान मदर जनरल सिस्टर मेरी नंदिता पेरेरा एवं उनके सहयोगियों, क्षेत्राधिकारणियों एवं प्रतिनिधि धर्माधिकारियों, स्थानीय अधिकारियों, संस्था के प्रमुख एवं सभी धर्म बहनों और उनके परिवार के सदस्यों, लोक सहभागियों, उपकारकों, शुभचिंतकों और समस्त लाभार्थियों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। हम इस धर्म समाज के सभी मृत धर्म बहनों की आत्मा शांति के लिए भी प्रार्थना करते हैं। हम आभार पूर्वक सभी धर्माध्यक्षों के अनवरत सहयोग का स्मरण करते हैं, विशेष रूप से वाराणसी धर्म प्रांत के वर्तमान धर्माध्यक्ष परम पूजनीय श्रद्धेय बिशप यूजिन जोसेफ एवं धर्म प्रांत के
पूर्व धर्माधिकारी परम माननीय श्रद्धे बिशप राफी मंजली आगरा धर्म प्रांत के महाधर्माध्यक्ष और स्वर्गीय श्रद्धे बिशप पैट्रिक डिसोसा, जिसके हाथों में यह धर्म समाज विकसित हुआ। इस अविस्मरणीय और पुनीत समारोह पर मैं हमारी मठाधिकारिणी एवं प्रेरितों की रानी धर्म बहनों की ओर से अति माननीय आर्च बिशप राफी मंजली तथा श्रद्धे बिशप यूजिन जोसेफ का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। इस शतवर्षी की युग्रीस्तीय समारोह में प्रेरितों की रानी धर्म समाज की धर्म बहनों के लिए प्रार्थना करने हेतु दूर दराज से आए हुए आप सभी का मैं अभिवादन करती हूँ। श्रद्धे फादर प्रसन्न राज IMS सुपीरियर जनरल, श्रद्धे फादर अगस्टिन KJ सेंट मेरीज कैथेड्रल के पल्ली पुरोहित, समस्त श्रद्धे पुरोहितगण, सम्मानित धर्म बहने, गायक एवं वादन मंडली, यहाँ उपस्थित सभी विश्वासी भाइयों एवं बहनों, मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हम नवीन विश्वास और अनंत आशा के साथ अपने भविष्य की ओर देखते हैं और प्रार्थना करते हैं। हे पिता, अपनी आँखों की पुतली के रूप में हमारे धर्म समाज की रक्षा कर, हमें अपने पंखों की छाया में सुरक्षित रख, अपनी पूर्णता और पवित्रता की भावना में हमें बनाए रख, हमें दृढ़ विश्वास और निस्वार्थ प्रेम, आपकी पवित्र इच्छा के प्रति पूर्ण समर्पण तथा आज और अनंत काल तक उनके साथ एक प्रेमपूर्ण संबंध स्थापित करने की कृपा कर। हे ईश्वर, हमारे धर्म समाज एवं कलीसिया को अच्छी बुलाहट का वरदान दे तथा हमारे प्रिय संस्थापक श्रद्धे फादर अंटोनियस मरिया बोडविक को अपने संतों में गिने जाने का आनंद और सौभाग्य प्रदान कर। इन्हीं प्रार्थनाओं एवं धन्यवाद के उद्गारों के साथ बड़ी श्रद्धा एवं भक्ति से आज के पूजन समारोह में योग्य रीति से भाग लें। महिमा के गीत दिश दिन गाता रहूंगा, तू ही प्रभो मेरा प्यारा है मी, तुझको ही धन्य कहूंगा।
तूने पालन किया प्रभु वरदानों से तूने भर दिया जीवन दिया तूने पालन किया प्रभु वरदानों से तूने भर दिया कैसे कहो धन्यवाद कैसे कहो धन्यवाद कैसे कहो धन्यवाद मैं तेरी महिमा के मुझे अपना लिया तेरी सेवा में तूने बुलाया क्या किया मुझे अपना लिया तेरी सेवा में तूने बुलाया कैसे कहूँ धन्यवाद कैसे कहूँ धन्यवाद कैसे कहूँ धन्यवाद मैं तेरी महिमा के की दिन गाता रहूंगा तू ही प्रभो मेरा प्यारा है मी तुझको ही धन्य कहूंगा प्रभो मैं तेरी महिमा के दिन गाता रहूंगा तू ही प्रभो मेरा प्यारा है मी तुझको ही धन्य कहूंगा Thank you.
शांति आप लोगों के साथ हो। परमादरणीय बिशप बेनेडिक्ट जोसेफ, प्रेरितों की रानी, धर्म समाज के जनरलेट के प्रतिनिधि बनकर यहाँ पधारे, माननीय सिस्टर विंसेंशिया, सिस्टर जेसिका, और इस प्रोविंस के प्रोविंशियल सिस्टर श्रुति, और यहाँ कार्यरत और वाराणसी धर्म प्रांत के पुरोहित भाइयों, धर्म बहनों, और इस धर्म प्रांत के विभिन्न पल्लियों से यहाँ पधारे विश्वासी भाई बहनों, प्रभु यीशु के भक्तों, प्यारे बच्चों, आज जबकि प्रेरितों की रानी धर्म समाज शताब्दी समारोह मना रहा है, आज का ये मिस्सा बलिदान हम इस धर्म समाज के मतलबों के लिए चढ़ाते हैं, साथ साथ वाराणसी धर्म प्रांत के लिए भी हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि आप भी इस धन्यवाद के मिस्सा में भागीदार बने और परमेश्वर से इस धर्म समाज के आगामी जीवन के लिए आने वाले शताब्दी के लिए और उनके कार्यकलापों के सफलता के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें। अब इस मिस्सा बलिदान चढ़ाने के पहले कुछ क्षण हम अंतकरण की जांच करें, हमारे पापों के लिए, कमियों के लिए दया सागर प्रभु से और एक दूसरे से क्षमा याचना करें, ताकि ये बलिदान और हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर को सुग्राह्य हो। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैं ये मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपनी भारी कसूर से घोर पाप किया है, इसलिए मैं नित्य कुमारी मरियम से और आप लोगों से हे भाई और बहनों विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। Thank you.
Thank you.
प्रार्थना करे। हे ईश्वर, जब प्रेरित गण यीशु की मां मरियम के साथ प्रार्थना कर रहे थे, तब तूने उन पर पवित्र आत्मा को भेजा था। इनकी मध्यस्थता द्वारा हम भी निष्ठापूर्वक तेरे प्रताप का बखान करें और वचन तथा कर्म से तेरे नाम की महिमा का प्रसार करें। ये वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज करते हैं। धन्यवाद देता हूं, देखो प्रभु मेरा उद्धारक है, वही मेरा भरोसा है, अब मैं नहीं डरता, क्योंकि प्रभु मेरा बल है और मेरे गीत का विषय। प्रभु ने मेरा उद्धार किया, तुम आनंदित होकर मुक्ति के स्रोत में से जल भरोगे। उस दिन
तुम यह कहोगे, प्रभु का धन्यवाद करो, उसका नाम घोषित करो, राष्ट्रों में उसके महान कार्यों का बखान करो, उसके नाम की महिमा गाओ, प्रभु की स्तुति करो, उसने चमत्कार दिखाए, पृथ्वी भर में उनका बखान करने जाओ, सियोन की प्रजा प्रफुल्लित होकर आनंद के गीत गाओ, तुम्हारे बीच रहने वाला इसराइल का परम पावन ईश्वर महान है। यह प्रभु की वाणी है, ईश्वर को धन्यवाद। लोगों के कारण ईश्वर को निरंतर धन्यवाद देता
और अपनी प्रार्थनाओं में आप लोगों का स्मरण करता रहता हूँ। महिमामय पिता, हमारे प्रभु ईसा मसीह का ईश्वर आप लोगों को प्रज्ञा तथा आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान करे, जिससे आप उसे सचमुच जान जाएं। वह आप लोगों के मन की आँखों को ज्योति प्रदान करे, जिससे आप यह देख सके कि उसकी द्वारा बुलाए जाने के कारण आप लोगों की आशा कितनी महान है, और संतों के साथ आप लोगों को जो विरासत मिली है वह कितनी वैभवपूर्ण तथा महिमामय है, और हम विश्वासियों के कल्याण के लिए सक्रिय रहने वाले ईश्वर का सामर्थ्य कितना अपार है। ईश्वर ने मसीह में सामर्थ्य प्रदर्शित किया जब उसने मृतकों में से उन्हें पुनर्जीवित किया और स्वर्ग में अपने दाहिने बैठाया। स्वर्ग में कितने ही प्राणी क्यों ना हो और उनका नाम कितना ही महान क्यों ना हो, उनका सबके ऊपर ईश्वर ने इस युग के लिए और आने वाले युग के लिए मसीह को स्थान दिया। उसने सब कुछ मसीह के पैरों तले डाल दिया और उनको सब कुछ पर अधिकार देकर कलीसिया का शिष्य नियुक्त किया। कलीसिया मसीह का शरीर और उनकी पुनरुत्ता है। मसीह सब कुछ सब तरह से पूर्णता तक पहुंचाते हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। उसी घड़ी ईसा ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर आनंद के आवेश में कहा, पिता स्वर्ग पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूं क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा कर निरे बच्चों पर प्रकट किया है। आ पिता, यही तुझे अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। पिता को छोड़कर यह कोई भी नहीं जानता,
कि पुत्र कौन है और पुत्र को छोड़कर ये कोई भी नहीं जानता कि पिता कौन है। केवल वही जानता है जिस पर पुत्र उसे प्रकट करने की कृपा करता है। तब उन्होंने अपने शिष्यों की ओर मुड़कर एकांत में उनसे कहा, धन्य है वे आँखें जो वो देखती हैं जिसे तुम देख रहे हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ तुम जो बातें देख रहे हो उन्हें कितने ही नबी और राजा देखना चाहते थे किंतु उन्होंने उन्हें नहीं देखा, और जो बातें तुम सुन रहे हो वे उन्हें सुनना चाहते थे परंतु उन्होंने उन्हें नहीं सुना। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। हे कृष्ण परमादरणीय धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ जी, अति आदरणीय सिस्टर विंसेंशिया, सिस्टर जेसिका, अति सम्मानित फादर प्रसन्नराज, IMS धर्म समाज के जनरल, प्रेरितों की रानी धर्म समाज के सदस्याएं, और यहाँ इस समारोह में भाग लेने दूर से करीब से यहाँ पधारे मेरे प्यारे पुरोहित भाइयों, धर्मसंगी भाई बहनों, विश्वासी भाई बहनों, प्यारे बच्चों, जब पवित्र बाइबल में कभी भी कोई भी जुबली मनाते समय तीन कार्यों को करना अनिवार्य माना गया है। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं रेस्ट, रिमेम्बरेंस एंड रिस्पॉन्स। रेस्ट का मतलब हमारी हेक्टिक एक्टिविटीज को विराम डालना, व्यस्तताओं को विराम डालना, क्योंकि हम इतने व्यस्त हो जाते हैं ईश्वर को भी भूल जाते हैं, ईश्वर के लिए हम समय निकाल पाते नहीं। तो इसलिए जुबली वर्ष में उनसे आग्रह किया गया, प्रभु ने कहा यू नीड टू रेस्ट, हर साबत को रेस्ट लेना है, जुबली वर्ष में ज्यादा। रेस्ट का मतलब ये नहीं कि आलसी बनना, कुछ काम नहीं करना, ऐसा नहीं है। स्वार्थ या लाभेच्छा से प्रेरित होकर कुछ काम नहीं करना उस दिन, लेकिन परहित के लिए कुछ कर सकते हैं, ईश्वर के लिए कुछ करो, पड़ोसी के लिए कुछ कर सकते हैं। जैसे वो समारी, भले समारी के उपमा में, दृष्टांत में हम देखते हैं प्रभु ने उनकी सराहना की। दरअसल वो यहूदी तो नहीं था फिर भी, और निर्गमन ग्रंथ में भी ये कहा गया है अगर तुम अपने पड़ोसी या तुम्हारी वैरी दुश्मन का भी जानवर भटकते हुए देख रहे हो तो उसको वापस लाना कोई पाप नहीं है, सबत का उल्लंघन नहीं है। तो विराम का मतलब है स्वार्थ लाभ से प्रेरित होकर कुछ मत करना उस दिन, लेकिन पर पीड़ा के निवारण के लिए या दूसरों की मदद, उनको राहत पहुंचाने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। प्रभु ने स्वयं वो किया, साबत के दिन उन्होंने चंगाई का काम किया, यहूदियों के जो बड़े लोग थे, नेता लोग थे, शास्त्री थे, उन्होंने उनकी निंदा की,
लेकिन प्रभु ने कहा साबत इंसान के लिए है, ना कि इंसान साबत के लिए। तो प्रायोरिटीज को उन्होंने सही रखा। तो रेस्ट का मतलब यह है, रिमेम्बरेंस मतलब याद करना, प्रभु के करामतों को, उनके महान कार्यों को याद करना, याद करते हुए उनको धन्यवाद देना है। जैसे स्तोत्र में लिखा गया है, मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो और उनके कार्यों को, महान कार्यों को मत भूल। स्तोत्र 103 में हम लोग पढ़ते हैं ना, और कहते हैं प्रभु को धन्य कहो क्योंकि वो भला है, उनकी सत्य प्रतिज्ञा चिरस्थाई है, सदा के लिए है। हम पढ़ते हैं स्तोत्र में ना? तो प्रभु के महान कार्यों को याद करते हुए उनको धन्यवाद देना है। और तीसरा हमारा कर्तव्य बनता है रिस्पॉन्स। तो क्या करना चाहिए, प्रभु ने मेरे लिए इतना कुछ किया है तो मैं कैसा प्रत्युत्तर दूं, प्रभु के उपकारों के लिए मैं क्या करूं। प्रभु अपने लिए कुछ नहीं चाहते हैं, प्रभु चाहते हैं आपकी भलाई, आप ईश्वरीय जीवन बिताए, आप उनकी महिमा करें अपने जीवन द्वारा और लोगों का कल्याण के लिए काम करें, वही प्रभु चाहते हैं। आपने यहां लिखा है ये कृतज्ञता का वर्ष है। पवित्र बाइबल में धन्यवाद की प्रार्थना सबसे उत्कृष्ट प्रार्थना मानी गई है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि स्तोत्र 50 में हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है तुम्हारा बलिदान धन्यवाद का बलिदान हो, धन्यवाद ही तुम्हारा बलिदान हो। और कहा गया है जो मुझे धन्यवाद देता है या धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है वो सच्चे मायने में मेरा आदर करता है। तो इसलिए धन्यवाद की प्रार्थना सबसे उत्तम है, सबसे उत्कृष्ट है। दूसरी बात, आज के सुसमाचार में हमने देखा, देखिए पवित्र बाइबल सुसमाचार में हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह कभी तड़के सवेरे, कभी देर रात को, कभी कुछ चमत्कार के पहले प्रार्थना करते हैं अक्सर। लेकिन प्रार्थना में क्या बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह, क्या कहते हैं? कहीं कहीं हमें कुछ अंदाज मिलता है, वी गेट सम काइंड ऑफ इनक्लिंग फ्रॉम हिज, व्हाट इज द कंटेंट ऑफ हिज प्रेयर, व्हाट डिड ही प्रे, हाउ डिड ही प्रे। तो आज के सुसमाचार उसके लिए एक सबूत है, धन्यवाद की प्रार्थना। हे आत्मा में आनंदित होकर प्रभु बोल उठते हैं, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं परम पिता, तूने ये ईश्वरीय राज के गूढ़ रहस्य को तथाकथित ज्ञानियों से छिपा कर रखा और निरे बच्चों पर ये प्रकट किया। इट्स अ प्रेयर ऑफ थैंक्सगिविंग। दैट इज बिफोर रेजिंग लाजरस, लाजरस को जीवनदान देने से पहले कैसे प्रार्थना किया, हे परमपिता मैं तुझे धन्यवाद देता हूं क्योंकि तू मेरी सुनता है हर समय, और उसके बाद वो चमत्कार दिखाता है, चमत्कार करता है। मां मरियम की प्रार्थना, मेरी आत्मा प्रभु का गुण गाती है, मेरा मन उस पर अति प्रसन्न, अत्यंत प्रसन्न है। जकरी गान धन्यवाद की प्रार्थना, और पौलुस एफेसियों को लिखते हुए हम पढ़ते हैं अध्याय 5 में हम पढ़ते हैं, आग्रह करते हैं आप सब समय सब बातों के लिए परमेश्वर ईसा मसीह के द्वारा प्रभु को धन्यवाद दो, उनके आदर में भजन गाओ, गीत सुनाओ, आप जो भी करे, खाए पिए जो भी करे प्रभु के आदर में करो, उनको धन्यवाद दो हर चीज के लिए। यही आग्रह करते कुलसियों को भी लिखते हुए कहते हैं। तो यह सबसे उत्कृष्ट प्रार्थना है। दो तीन बात ये धन्यवाद की प्रार्थना क्यों इतना महत्वपूर्ण है। सबसे पहले ये हमें पवित्र बनाता है, हमारा
आध्यात्मिकता का आधार है धन्यवाद की प्रार्थना, धन्यवाद की भावना। ऐसा है धार्मिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह विनम्र बनना है। मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से विनम्र हूं, यही आधार है। जो छोटा बनाया जाता, जो अपने आप को छोटा बनाता है वो बड़ा बनाया जाएगा, प्रभु ने कहा है। प्रभु दलितों को, जो विनम्र है उनको उठाता है, और जो अपने आप अपना अपने से अहम से भरा हुआ है उस व्यक्ति के हृदय में ईश्वर के लिए कोई स्थान नहीं है, जगह नहीं है, कहाँ प्रभु आएगा, क्योंकि वो भरा हुआ है अपने से। जब तक ये खाली नहीं करेगा प्रभु का वास उधर नहीं हो सकता है। इसलिए वही व्यक्ति धन्यवाद दे सकते हैं जो विनम्र हो, जिनको लगता है मैंने कुछ पाया है, प्रभु से कुछ पाया है, लोगों से कुछ पाया है, प्रभु ने मेरे लिए महान कार्य किए है, अनगिनत लोगों ने मेरे लिए महान कार्य किए है, वही व्यक्ति धन्यवाद दे सकता है। जिनको लगता है सब कोई सबको चाहिए कि मेरा आदर करे, मुझे प्रणाम करे, मेरे सलाम दे, वो व्यक्ति कभी धार्मिक व्यक्ति नहीं बन सकता, या धार्मिकता के गहराई में वो जा नहीं सकता। तो ये इसलिए ये धार्मिकता का, पवित्रता का आधार है ये धन्यवाद की भावना, धन्यवाद की प्रार्थना। जुबली के समय, शताब्दी के समय रिश्तों को स्थापित करना, टूटे रिश्तों को फिर से जोड़ना या मजबूत करना, रिश्तों को कायम रखने के लिए उपयुक्त समय है। एंड हाउ डू वी एस्टैब्लिश रिलेशनशिप विद गॉड? यू सी, वो आप देखते हैं राजाओं के दूसरे ग्रंथ में, वो नामान की कहानी आप जानते हैं। नबी के पास जाते हैं, नबी बोलते हैं 7 बार नहाओ यरदन नदी में, वो खफा हो जाते हैं, बोलते हैं हमारे देश में इससे बेहतरीन नदियां हैं, शुद्ध और अच्छा स्वच्छ पानी का, हम इधर क्यों ये इतने दूर चले आए और क्यों यहाँ पर नहाए? लेकिन उनके सेवकों ने उनको समझाया, कोई बड़ा काम नहीं है, नबी ने कहा है, आप करके दिखाओ, और वो शुद्ध हो गया। एक चमत्कार उधर घटित हुए, एक चमत्कार हुआ। उसके बाद वो क्या करता है, धन्यवाद देने के लिए आता है, नबी कुछ नहीं लेता अपने लिए, लेकिन वो विनती करता है कि हम यहाँ से कुछ मट्टी, ये पवित्र जगह है, ये ईश्वर की धरती है, यहाँ से कुछ मट्टी हम ले जाएंगे, कि मैं सिर्फ बातों से कृतज्ञता बोलकर बात खत्म नहीं, रिश्ता खत्म नहीं कर दूंगा, मैं आपके साथ रिश्ता जोड़ना चाहता हूँ, हर दिन मैं आपको याद करूँगा, आपका धन्यवाद करूँगा, आपसे प्रार्थना विनती करूँगा। ये एक तरह से बोल रहा था, ताकि ये मट्टी ले जाकर उसको याद दिलाने के लिए, और उस मट्टी पर खड़ा होकर शायद वो एक जगह बना देंगे और उस जगह पर खड़ा होकर वो प्रार्थना करेगा। टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप, वो 10 कोड़ियों में एक वापस निकल आया, लुकस के सुसमाचार अध्याय 17 में हम पढ़ते हैं, एक, बाकी सब देखो दान मिला, अच्छा लगा, दाता को भूल गया, चले गए, लेकिन एक वापस आया। उन्होंने ये कहा, मैं आपका शागिर्द बनना चाहता हूँ, डिसाइपल बनना चाहता हूँ, आपके रिश्ता जोड़ना चाहता हूँ, यही बात उन्होंने कहा। प्रभु ने उनसे कहा, जाओ, प्रभु ईश्वर ने जो कुछ किया उसका बखान करो। तो रिश्ता, ईश्वर के साथ रिश्ता जोड़ने का सबसे उत्तम माध्यम है ये धन्यवाद की प्रार्थना, ये याद रखना जरूरी है। और इंटीरियोरिटी, जो आध्यात्मिकता में आगे बढ़ने के लिए ये बहुत जरूरी है। बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कभी कभी, स्वामी जी हम प्रार्थना करते हैं, हमारा मन इधर उधर हो जाता है, बंदर के समान इधर कूदता है उधर कूदता है, इस डाली से उस डाली, इस विषय से उस विषय, और कभी कभी प्रार्थना भी नीरस बन जाती है, अच्छा नहीं लगता, कि भूख जी थोड़ा ड्राई हो जाता है। मैं आपसे कहूंगा, जब कभी आपको प्रार्थना नीरस लगता है, मुश्किल लगता है, एक ही काम करना, याद करो उन अवसरों को, उन घटनाओं को जब प्रभु ने आपके लिए कुछ किया, आपने प्रार्थना की, आपने दुहाई दी और प्रभु ने आपकी सुनी, उसको याद करो। उन लोगों को याद करो, भले लोग जो आपके जीवन से जुड़ गए अतीत में,
उनके द्वारा कुछ अच्छे कार्य हुए आपके जीवन में, आपको खुशी मिली, आपको तरक्की मिली, मैं समझता हूँ सहज ही आप प्रार्थना में लीन हो जाएंगे। प्रभु के महान कार्यों को याद करेंगे तो यू स्पॉन्टेनियसली यू विल बिगिन टू ब्रेक फोर्थ इन टू अ सॉन्ग ऑफ थैंक्स गिविंग टू द लॉर्ड। तीसरी बात, ये धन्यवाद की प्रार्थना सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत अच्छा निमित्त माध्यम है। अक्सर लोग बुनबुनाते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, मुझे कुछ नहीं मिला, दूसरों को ज़्यादा मिला, और अफसोस इसलिए है, उनको कोई परेशानी नहीं है लेकिन दूसरे लोग सुखी है इसलिए वो ज़्यादा परेशान है, हमें नहीं है, जो सुख चैन उनको मेरे पड़ोसी को मिल रहा है मुझे नहीं मिल रहा है, और दुखी हो जाते हैं बेकार में बेवजह। तो उनका जो नज़रिया जो है वो दुखी रहता है, लंबे चेहरे लेकर घूमता रहता है, उसको देखने से दूसरे लोग भी दुखी हो जाते हैं। जबकि अगर वो याद करेंगे, प्रभु को धन्यवाद देते रहेंगे, मुझे क्या क्या मिला है अनुग्रह प्रभु से, जो कुछ मुझे, जो कुछ मैं हूँ, जो कुछ मेरी उपलब्धियाँ है, जो कुछ मेरा है, सब कुछ ईश्वर का देन है, उसका दान है, ये बात करेंगे तो वी विल बिकम अ काइंड ऑफ पॉजिटिव पीपल, हैप्पी पीपल, नॉट अनहैप्पी एंड यू नो पीपल विद लॉन्ग फेसेस। इट विल ट्रांसफॉर्म यू, व्हेन यू बिगिन टू काउंट योर ब्लेसिंग्स यू विल बिकम अ ट्रांसफॉर्म्ड पर्सन एंड यू विल बी इन अ पोजिशन इवन टू थैंक गॉड फॉर द गिफ्ट्स अदर्स हैव रिसीव्ड, नॉट ओनली द गिफ्ट्स यू हैव रिसीव्ड बट अदर्स हैव रिसीव्ड। तो आज जब हम ये शताब्दी समारोह मना रहे हैं, हम प्रभु को धन्यवाद दें, मात्र एक दिन के लिए नहीं, धन्यवाद देना हमारा जीवन की वो दिनचर्या होनी चाहिए, हर समय, जैसे पौलुस कहते हैं, हर समय हर चीज़ के लिए प्रभु को धन्यवाद दो, क्योंकि सब कुछ ईश्वर सब भला करता है, सब कुछ में जो लोग उनसे प्रेम करते हैं उनके लिए सब कुछ अच्छा बनाता है, चाहे दूसरे लोग कुछ बुराई करे तब भी उसी को भी प्रभु ऐसे काम करेंगे कि वो आपके भलाई के लिए उपयुक्त होगा वो काम, तो उनको धन्यवाद देना आपके जीवन में एक एक प्रण ले सकते हैं कि आज के दिन कि मैं हर दिन प्रभु के उपकारों को याद करते हुए, जैसे एक गीत है वो मैं प्रभु के उपकारों की कलियां चुन चुन उनके माला बना के उनके चरणों पर पहनाइए, तो वो काम करना है हमें। आज मैं प्रेरितों की रानी धर्म समाज के सभी सदस्य और सिस्टर्स को बधाई देता हूँ, और ईश्वर ने जो कुछ उनके लिए किया और उनके द्वारा इस डायसिस में, अन्य डायसिसों में और दुनिया के कोने कोने में जो कुछ भला कार्य हुआ है इनके ज़रिए, उसके लिए भी हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। हम प्रार्थना करेंगे कि आने वाले जो एक शताब्दी संपन्न हो रहा है, समाप्त हो रहा है, एक ये नए कदम, एक नई शताब्दी में कदम रख रहे हैं, ये आने वाले शताब्दी में जो प्रवेश करते समय ईश्वर से ये सामर्थ्य पाए और उत्साही बने और विश्वासी बने और आगे इससे बेहतरीन कार्य कर पाए, जो कुछ हुआ है अतीत में उससे भी बढ़कर ये कर पाए, इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। भाई बहनों, ये एक शुभ मुहूर्त है, ईश्वर हमारे बीच में हैं, हमारे करीब हैं, उनका कान हमारी ओर झुका हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ने वादा किया है कि जो कुछ हम एक मन एक हृदय होकर और उनके पवित्र नाम लेकर परमपिता से मांगेंगे, परमपिता हमें वही प्रदान करेंगे। इसी विश्वास के साथ हम अपनी ज़रूरतों के लिए प्रार्थना करें, हमारे निवेदन प्रभु चरणों पर रखें। हे प्रेमी पिता, हम अपने संत पापा फ्रांसिस, सभी धर्माध्यक्षों, याजकों,
एवं धन संधियों को आपके पावन चरणों में समर्पित करते हैं। तू उन्हें अच्छा स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रदान कर, उन्हें आध्यात्मिक रूप से सबल बना। हम आज के मुख्य अनुष्ठाता आगरा धर्म प्रांत के आर्च बिशप महामहिम बिशप राफी मंजली तथा समस्त पुरोहित गणों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आज के पूजन समारोह में सहभागी हुए हैं। तू उन्हें अपने छत्र छाया में रख और पवित्र आत्मा के वरदानों से अभियंजित कर। हम प्रार्थना करें। संरक्षण में हमारी धर्म बहने भारत और विदेशों के विभिन्न धर्म प्रांतों में कार्यरत हैं। प्रेरितिक कार्य, शिक्षण, चिकित्सक तथा सामाजिक क्षेत्रों में 100 वर्षों तक हमारे आध्यात्मिक जीवन और मिशन कार्यों में सहभागी रहे हैं। हम हमारे धर्माध्यक्ष श्रद्धेय बिशप यूजिन जोसेफ तथा धर्म प्रांत के सभी पुरोहित गणों एवं विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर की विशेष आशीष और कृपा उन्हें प्राप्त हो। हम प्रार्थना करें। जो कुछ मांगा पूरा करो, समाज की मदर जनरल सिस्टर मेरी नंदिता, सभी मठाधिकारियों तथा इस धर्म समाज के सभी बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं कि शताब्दी वर्ष के उपहार के रूप में सभी धर्म बहनों को प्रभु की सच्ची दासी बनने की कृपा प्राप्त हो तथा वे सभी अपने धर्म संघीय जीवन में दृढ़ रहकर पवित्रता का जीवन जी सके। हम प्रार्थना करें। उनके आध्यात्मिक जीवन को सुदृढ़ बना ताकि वे
अपनी मातृभूमि भारत के लिए प्रार्थना करते हैं कि भारत के सभी नागरिक सत्य और अहिंसा की भावना को बनाए रखते हुए प्रेम एवं शांति से जीवन व्यतीत कर सकें। हमारे देश के नेता परस्पर बंधुत्व, समानता और स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए अपने नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने का प्रयास करें। हम प्रार्थना करें। शक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, यहाँ एकत्रित पुत्र पुत्रियों पर कृपा दृष्टि फेर, उनकी प्रार्थनाएं सुन, उनकी जरूरतें पूरी कर। ये पवित्र पास्का काल में उन्हें पवित्र आत्मा का वरदान प्रदान कर, अभिषेक प्रदान कर, अटल विश्वास, गहरा प्रेम और कभी न बुझने वाली आशा प्रदान कर। प्रतिदिन उनका मार्गदर्शन, वे पवित्रता के रास्ते पर आगे बढ़ते जाए, ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। Thank you.
कबूल करला कबूल मोरे भगवान परमेश्वर तू ही केवल येसु तुझे प्रणाम येसु तुझे प्रणाम एक मात्र सुत तू ही पिता का येसु तुझे प्रणाम येसु तुझे संख्या में वृद्धि करे और असंख्य सद्गुणों से सदा प्रज्वलित होती रहे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ प्रभु में मन लगाए हुए हैं अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे और धन्य कुमारी मरियम के समारोह में तेरा समुचित महिमा गान करी इन्होंने तेरे अनादि शब्द को अपने निष्कलंक हृदय में ग्रहण करके गर्भ में धारण किया और सृष्टिकर्ता ख्रीस्त को जन्म देकर कलीसिया की स्थापना में सहयोग दिया इन्होंने क्रूस के निकट खड़ी होकर दिव्य प्रेम का विधान स्वीकार किया और ख्रीस्त की मृत्यु द्वारा नव जन्म पाने वाले सब मनुष्यों को
अपने पुत्र पुत्रियां बना लिया। जब प्रेरित गण पवित्र आत्मा की बाट जोह रहे थे, तब माता मरियम ने शिष्यों की विनती में सम्मिलित होकर प्रार्थना मई कलीसिया का आदर्श प्रस्तुत किया। अब वह स्वर्ग में महिमा मंडित होकर तेरी यात्री कलीसिया को अपने मातृत्व से स्वर्ग राज की ओर और तब तक अग्रसर करती रहेंगी जब तक प्रभु का महिमामय दिन प्रकट न हो जाएगा। इसलिए सभी स्वर्गदूत और संतों के साथ मिलकर हम भी निरंतर तेरा स्तुति गान करते हैं। सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ती रहे। इसलिए है प्रभु, हम तुझसे निवेदन करते हैं हमारे उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपापूर्वक पवित्र कर दे। ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूक्रिस्त का ये समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है
जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कठोर लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब से लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कठोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य क्रीस्त मर गए, क्रीस्त जी उठे, क्रीस्त मर गए, क्रीस्त जी उठे, महिमा के साथ फिर वो आए, तेरे पुत्र के मुक्त प्रदुभोग प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्ग आरोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बाट जोहते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे ये जीवंत और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और ये बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है, ऐसा वरदी कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम ख्रीस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों प्रतापी शहीदों और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गीय अनंत आनंद का सौभाग्य बनाए। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे नम्र निवेदन है कि पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, मुझे तेरे अयोग्य सेवक, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याचकों और इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया से द्रवित होकर अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहां कहीं भी हों अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं, हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं, ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा एके साथ और सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है।
हम सब मिलकर ईश्वरीय राज के आगमन के लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर का राज्य, उनका वास हमारे हृदयों में हो, हमारे परिवारों में हो, हमारे समाज में हो, विश्व भर में हो। हम वही प्रार्थना दोहराएं जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाई है। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम महिमा जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का हमारा आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल पर बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति आप लोगों के साथ हो। शांति अभिवादन करें।
शरीर का आत्मिक भोजन करते ग्रहण अब हम सब प्रभुजन। Thank you.
अपने प्रेरितों की रानी धन कुंवारी मरियम की स्मृति में मुक्ति के संस्कार में भाग लिया रे। ऐसी कृपा कर इच्छा का पालन करते हुए मानव जाति की सेवा द्वारा हम मुक्ति के अधिकाधिक निकट पहुंच जाए। ये नम्र निवेदन सुन ले हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। की ओर से अति श्रद्धेय आर्चबिशप राफी को मैं पर्सनली धन्यवाद देता हूँ। इस कृपापूर्ण समय आपने दान के रूप में हमें दिया, हमें आशीर्वादित किया और यहाँ उपस्थित मदर जनरल की ओर से उपस्थित सिस्टर विंसिया और सिस्टर जेसिका आपको भी कोटि कोटि धन्यवाद। सभी भाई बहनों को धन्यवाद इस कृपापूर्ण अवसर में भाग लेने के लिए। ताली बजाना मांगता है। धन्यवाद गीत समापन के पश्चात आप सभी से मेरा नम्र निवेदन है कि बिना देरी के आप सभी सेंट मैरीज विद्यालय प्रांगण में प्रस्थान करें। इस प्रस्थान में प्रवेश नृत्य वाली बालिकाएं हमारी अगुवाई करेंगी। इसी बीच आपके लिए जलपान की व्यवस्था की गई है। शताब्दी के इस पुनीत अवसर पर शताब्दी अभिनंदन समारोह आयोजित है और अभिनंदन समारोह के उपरांत प्रीति भोज आयोजित है। अतः आप सभी से मेरा अनुरोध है कि प्रीति भोज में शामिल हो जाए। जाने के पहले क्षमा मांगूंगा। हम लोग फादर बुडविक के आदर में और उनके मध्यस्थता द्वारा ये विशेष शताब्दी वर्ष का प्रार्थना कहकर यहाँ से विदा लेंगे। स्वर्गीय पिता प्रेम के स्रोत फादर प्लीज मरिया बोर्डी के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं जिन्हें तूने चुना कि वे तेरी करुणा और प्रेम का सुसमाचार समाज के निर्बल और उपेक्षित लोगों को प्रदान करें। तेरी इच्छा पूरी करने में उन्होंने अपने वर्षों की पीड़ा और मृत्यु द्वारा अपना अदृढ़ विश्वास प्रकट किया। फादर बोर्डी की प्रार्थना द्वारा हमें विश्वास का दान दे जिससे हम जो कुछ भी करें वह सब तेरी पवित्र इच्छा के लिए करें। और अभी हम यह कृपा मांगते हैं तेरे पुत्र हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। हे प्रेरितों की महारानी हमारे लिए प्रार्थना कर। Thank you.
जीवन का स्रोत आदि है प्यार ये ओ अमरिया रानी